हेलो एवरीवन, आई एम हरमन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ किस लिए किया जाता है? जैसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अपने इंडियन नंबर्स को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी यूज़ करते हैं नंबर्स को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। बस डिफरेंस ये है कि इंडियन जो है वो इंडियन में ही आता है, इंटरनेशनल मतलब सारी पूरे वर्ल्ड में चलता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। नंबर्स को रीड करना, राइट करना, इसका भी एक चार्ट बनता है। जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में चार्ट बनाया था, इसी तरह से हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी चार्ट को यूज करना है। वो चार्ट कौन सा है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी हमने उसी तरह से सबसे पहले हमारे पास एक टेबल में दो चीजें जरूरी होती हैं। जैसे फर्स्टली हमारे पास पीरियड्स, और सेकंड हमारे पास प्लेसेस। इसमें हमारे पास जब भी हमने पीरियड्स या प्लेसेस स्टार्ट करने हैं लिखने, तो हमने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पीरियड जो आता है वो पीरियड होता है इसमें वंस। जो सेकंड पीरियड है वो आएगा हमारा थाउजेंड। जो थर्ड पीरियड है वो हमारा होता है मिलियंस का, इसमें मिलियंस का थर्ड पीरियड होता है। और जो फोर्थ पीरियड होता है वो इसमें होता है बिलियंस का। और हर पीरियड के थ्री थ्री प्लेसेस होती हैं। जो फर्स्ट पीरियड है वंस का पीरियड, उसकी थ्री प्लेसेस वंस, टेंस, हंड्रेड। इसी तरह थाउजेंड की भी थ्री प्लेसेस होती हैं, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। इसी तरह हमारी मिलियंस की भी थ्री प्लेसेस होती हैं, मिलियंस, टेन मिलियंस, हंड्रेड मिलियंस। इसी तरह हमारी बिलियंस की भी थ्री प्लेसेस होती है, बिलियंस, टेन बिलियंस और हंड्रेड बिलियंस। और टोटल हमारी कितनी प्लेसेस हो गई? ट्वेल्व प्लेसेस। और पीरियड्स कितने हो गए? फोर। ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पीरियड्स कितने होते हैं? फोर। और टोटल प्लेसेस कितनी आई हैं? ट्वेल्व। और हर एक पीरियड में हमारी प्लेसेस जो होती हैं वो थ्री थ्री प्लेसेस होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने किसी भी नंबर को कैसे अरेंज करना है और कैसे हमारे पीरियड्स जो है इसमें अलग होते हैं विद कॉमास। सबसे पहले हमने नंबर्स को अरेंज करना है। हमारे पास कितने पीरियड थे? फोर पीरियड्स थे। फर्स्ट पीरियड था वंस, सेकंड था थाउजेंड, थर्ड था मिलियंस और फोर्थ पीरियड था बिलियंस। और जब भी हमने पीरियड स्टार्ट करने हैं तो हमने राइट साइड से स्टार्ट करने हैं। और जो पीरियड्स की हर एक पीरियड की प्लेसेस थी वो हमारे पास थ्री थ्री प्लेसेस थी। अब हमने क्या करना है? नंबर्स को अरेंज द नंबर्स, अरेंज द
लार्ज नंबर्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड पुट कॉमास एट द राइट प्लेसेस. अब हमने ये सारा काम यहां पर करना है. अभी हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर देखा है, उसमें हमारे कितने पीरियड्स थे, 4. प्लेसेस कितनी थी, टोटल प्लेसेस थी हमारी 12. और हर एक पीरियड में कितने प्लेसेस थी, 3. हमने अरेंज करना है अब लार्ज नंबर्स को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, और अब कॉमास के पुट करने हैं राइट प्लेसेस, क्योंकि कॉमास हम तब पुट करते हैं ताकि हमें हर पीरियड का, हर प्लेस का अलग से पता चल सके कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो हमारा नंबर है वो नंबर कौन से पीरियड में आ रहा है, कौन सी प्लेसेस में आ रहा है, ये सारा हम पता कर सकते हैं. और कैसे अरेंज करना है और कैसे कॉमास पुट करने हैं वो अब हमने यहाँ पर करना है. हमारे पास जैसे नंबर दिया है, एक नंबर है जैसे 682 340 005 and 619, ये हमारे पास नंबर है. अब इस नंबर को हमने अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले जब भी हमने किसी नंबर को अरेंज करना है तो अब हम पीरियड्स नहीं ओनली प्लेसेस लिखेंगे. प्लेसेस कैसे लिखनी है, यहां से राइट साइड से प्लेसेस स्टार्ट होती है, फर्स्ट प्लेस होती है मंथ्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियंस, टेन बिलियंस एंड हंड्रेड बिलियंस. अब इसमें हमने नंबर कैसे अरेंज करना, हमने प्लेसेस कहाँ से स्टार्ट की है लिखनी, राइट साइड से, तो हमने नंबर को भी अरेंज करना है राइट साइड से. नाइन, वन, सिक्स, फाइव, जीरो, 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 फोर, थ्री, टू, एट, सिक्स. अब हमने नंबर अरेंज कर लिया, अब हमने कॉमास पुट करनी है. कॉमास कैसे पुट करनी है, जब भी हमारे पास जहां पर एक पीरियड खत्म होता है वहां पर हमने कॉमास पुट करनी है. ये हमारा फर्स्ट पीरियड था जिसमें थ्री प्लेसेस थी, वंस, टेंस और हंड्रेड की, वंस पीरियड ये खत्म हुआ, हमने कॉमास इंसर्ट कर दिया. उसके बाद हमारा ये सेकेंड पीरियड था, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड का, पीरियड का नाम थाउजेंड. ये हमारा सेकेंड पीरियड खत्म हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कॉमास इंसर्ट कर दिया. थर्ड पीरियड था हमारा मिलियंस का, उसमें प्लेसेस थी मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, मिलियंस, हंड्रेड मिलियन के बाद यहाँ पर हमारा ग्रुप खत्म हुआ, तो हमने यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया. और नेक्स्ट पीरियड था हमारा बिलियंस का, जिसमें प्लेसेस थी बिलियंस, टेन बिलियंस, हंड्रेड बिलियंस. अब यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बिलियंस के पीरियड्स के बाद हमारा कोई पीरियड ही नहीं आ रहा, तो हमने कोई कॉमा इंसर्ट नहीं किया.
तो ये हमारा हो गया कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने नंबर कैसे अरेंज करना है और कैसे हमने कॉमास पुट करनी है। ओके जी, थैंक यू।